आज 12 मई है और मैं हारगर के टैक्सी स्टैंड पे बैठा हूँ, जहाँ पे हम लोगों को अधिक से अधिक सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन कहाँ से जाएगी, पुलिस स्टेशन में उनका क्या काम है, उनको ई पास कैसे मिलेगा, उनको राशन कहाँ से मिल पाएगा, उनको खाने की व्यवस्था कहाँ की गई है, क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पे है, सरकारी डॉक्टर उनको कहाँ मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं। हम आज बात करते हैं कोरोना के। हारगर का बहुत सा सेंटर है जिसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो मैंने एक प्रपोजल बनाया कि हारगर की जो बाउंड्री है, जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है, क्यों ना उस पूरे की पूरी एरिया को हम लोग सैनिटाइज कर दें, जिसमें पब्लिक प्लेसेस को लिया जाए, रेलवे स्टेशन के, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप और अदर्स स्मॉल, इन सभी की सैनिटाइजेशन कर दी जाए। उसके अलावा जो यहाँ के स्लम एरिया है, जहाँ पे माइग्रेंट्स रहते हैं और उनके पास सुविधा नहीं है, उन सारे जगहों को सैनिटाइज कर दिया जाए। उसके अलावा हारगर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन सारी बिल्डिंग्स पार्किंग एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाए। जो फ्लैट्स ऑनर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन सारे फ्लैट्स की भी सैनिटाइज कर दिया जाए। उसके अलावा हारगर के अंदर आने वाली गाड़ियाँ और हारगर से बाहर जाने वाली गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जाए और उनकी फीवर टेस्टिंग की जाए थर्मोमीटर से। अगर इन सभी चीज़ों को हम करें तो हम काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम पूरी तरह इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमारे पास एक डेटा आ जाएगा और हम थोड़ा सा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हारगर एरिया को। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल डाला है कि इसकी परमिशंस हमको दी जाए, ताकि हम पूरे हारगर को हम लोग सैनिटाइज कर सकें और बिल्डिंग तक हम अपनी सुविधा पहुँचा पाएँ। जो पब्लिक प्लेस होंगी, उन सारी की सारे जगहों पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं या जो फ्लैट्स हैं, हम उनसे थोड़ा चार्ज करने वाले हैं और उनसे जो सरप्लस पैसा हमारे पास आएगा, उस पैसे का इस्तेमाल हम पब्लिक वेयरफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी प्रपोजल हमने PMC को सबमिशन की है, जिसकी अप्रूवल्स अभी हमको मिली नहीं है। अप्रूवल्स आने के बाद मैं ज़रूर ये काम करूँगा और मैं PMC के ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे 50 दिन से किए हुए कामों को आप मुआयना कीजिए और हमें इस बात की परमिशन दीजिए, ताकि हम कोरोना की इस लड़ाई में हम अपना छोटा सा योगदान दे पाएँ। थैंक यू।